इस धरती पर भगवान का अर्थ ही कोई नहीं जानता है कि भगवान कहते किसे हैं जी। ये राम को भगवान मान लिए, ब्रह्मा को भगवान मान लिए, इंद्र को भगवान मान लिए, महेश को भगवान मान लिए, विष्णु को भगवान मान लिए जी। ये सब भगवान नहीं है, ये पंडित जी लोगों के पुरखे हैं, अपने पुरखों को भगवान बना के हमसे पूजवाते हैं। क्यों? कि इन लोगों ने ही हमारे इतिहास को खत्म किया। जब इनकी समय आई तो इन्हें इन्होंने भगवान बना दिया जी। और हमारे लोगों को बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र को हम पूज रहे हैं तो हम श्रेष्ठ हो गए, अब तुम भी पूजो। तो अपने तो इसलिए पूज रहे हैं कि वो उनके खून खानदान के थे, इनके पुरखे थे, और हमारे पुरखों को बता दिया कि महिषासुर बहुत बड़ा राक्षस था, देवासुर बहुत बड़ा शैतान था, महाराजा बलि पक्का राक्षस था, रावण के पास 10 मुड़ी थी, वो अन्याय का पर्याय था। हमारे इतिहास को, हमारे पुरखों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे लोगों को खत्म करके दैत्य राक्षस असुर बताए जी। और इनके पुरखों ने हमारे पुरखों को मारा जी, हमें अधिकार विहीन किया, तो हमारे लोगों को राक्षस बताए, अपने लोगों को देव बताए, और ये कहे कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं यही धरती के सबसे बड़े भगवान हैं। लेकिन भगवान फोटो आप देखते हैं ना जी, ब्रह्मा के 4 मुड़ी, शंकर जी के 1 मुड़ी, विष्णु के 4 हाथ, तीनों भाई थे, एक भाई के 4 मुड़ी, एक भाई के 1 मुड़ी, एक भाई के 4 हाथ, एक भाई गजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी, एक भाई कभी औरत बन जाए कभी कुछ बन जाए, आ एक भाई 4 मुड़ी, तीसरे भाई के नाम से निकला हुआ है। इनकी भाषा को समझना बाबू इतना सरल नहीं है, मेरे महापुरुषों ने इतना समझाया, मेरे लोग नहीं समझ पाए, मैं प्रयास कर रहा हूं जी कि लोग सत्य को समझें। अगर लोग सत्य को समझ गए, अधिकार वंचित कौन व्यक्ति होता है? जो शासक विहीन होता है। जिस कौम के लोग शासक होते हैं वो कौम कभी अधिकार से वंचित नहीं होता है। जो कौम सत्ता विहीन होता है हर समय अधिकार विहीन हो रहता है जी। तो ये देवी देवता ओक्ष मोक्ष शराब वरदान स्वर्ग नरक ये सब सिर्फ एक सत्य की लड़ाई है जी। और हमारे लोग इसी में फंसे हुए हैं, ये सत्ता की तरफ इनका ध्यान नहीं है जी। और यही कारण है कि कभी ये समाज अपने पूर्ण अधिकार को अब तक प्राप्त नहीं कर पाया जी। राजकुमार यादव जी, आप बोल रहे हैं कि मेरे पूर्वज थे रावण, तो रावण थे, तो कैसे थे, सर रावण, रावण तो ब्राह्मण में आते थे ना, तो आपके पूर्वज कैसे हुए? रावण ब्राह्मण थे, कौन कहता है सर ब्राह्मण नहीं थे जी। ये सब कहीं कहीं कहते हैं कि रावण पंडित थे जी, ब्राह्मण नहीं कहते हैं जी, पंडित कहते हैं जी। पंडित का मतलब जानते हैं? पंडित का मतलब विद्वान, विद्वान को पंडित कहा जाता है। लेकिन पंडित ये अपने आप को स्थापित कर लिए, ये दारू पिए, गांजा पिए, भांग पिए, चरस खाए, अफीम खाए, रंडीबाजी करें, ये सब कुछ करेंगे, उसके बाद भी ये पंडित रहेंगे। और हमारे लोगों में जी पंडित उसे कहा जाता है जो विद्वान होता है। तो विद्वान को अगर पंडित कहा जाता है तो उसको ब्राह्मण क्यों नहीं कहते? रावण ब्राह्मण था, ब्राह्मण की हत्या ब्राह्मण करता है, रावण की हत्या किसने किया? राम ने जी। और क्यों किया? ब्राह्मणों के कहने पर। राम की कोई दुश्मनी रावण से नहीं थी जी, चूंकि ये फर्जी कहानी है जी। ये कहानी जो राम रावण की है फर्जी कहानी, बनावटी कहानी है। लेकिन सत्य कहानी जो है जी, सत्य है कि पुष्प मित्र सुंग राम है जी, और रावण
बिरहदत्त मौर है जी। अब रहा सवाल दस मुड़ी का जो बताते हैं महाराजा सम्राट अशोक से लेके बिरहदत्त मौर, मौर वंश के दसवें राजा थे बिरहदत्त मौर जी। तो बिरहदत्त मौर को इन्होंने रावण साबित किया है। क्यों? बिरहदत्त मौर में सम्राट अशोक में माने जितने मौर वंश के राजा थे जी, तो सब बुद्धिजम थे, वो ब्राह्मणों के पाखंड को नहीं मानते थे। तो जो ब्राह्मणों के पाखंड को नहीं मानता था जी, उसे रावण कहा गया कि ये महा अन्यायी था, जैसे मैं मर जाऊं और इतिहास लिखा जाएगा तो जो सबसे निचली श्रेणी का असुर दैत राक्षस से जो सबसे नीचा श्रेणी है, अगर इतिहास लिखा जाएगा तो वहां मेरा नाम लिखा जाएगा कि ये सबसे बड़ा अन्यायी था जी, ये सबसे बड़ा दुराचारी था, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था। क्यों? कि ब्राह्मणों की पोल खोलने वाला आदमी था ये जी। तो रावण थे, राजा महिखासुर थे, महाराजा बलि थे, रक्तासुर थे, राजा हिरण्यकश्यप थे, ये ब्राह्मणों की पाखंड को नहीं मानते थे, इसलिए इनको इन लोगों ने दैत्य असुर राक्षस बनाया।